नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई कंप्यूटर बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर आप किसी और को देना चाहते हो या फिर गिफ्ट करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। उस केस में जो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है कि आप किसी और को देने के पहले आपका जो भी डेटा उस कंप्यूटर पे अवेलेबल है उसे हमेशा के लिए डिलीट करना ना भूलना चाहिए। अगर आपने अपने नज़दीक के किसी आदमी को दे दिया, उस केस में भी हो सकता है कि उन्होंने किसी और को दे दिया और उन्होंने उस डेटा का यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर और कोई बैंकिंग रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है। उस केस में आपको जो एक सेटिंग आपके कंप्यूटर पे करना चाहिए बिफोर हैंडिंग ओवर टू समवन एल्स, वो ही सेटिंग आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये जो सेटिंग का गेयर आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे आपको रुक करना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पे। इसके बाद आप क्लिक कीजिए रिकवरी पे और रीसेट दिस मशीन, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शंस आपको यूज़ करना है आपका सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए। ये आपके एप्लीकेशन, आपने जो स्टोर किए है पासवर्ड, सेट कस्टमाइज सेटिंग्स, पर्सनल फाइल्स, सब कुछ निकाल के विंडोज़ को अपने फैक्ट्री मोड पे रीसेट कर देता है। स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कीप माय फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग। अगर आप कीप माय फाइल्स करते हैं तो आपका पूरा डेटा इंटैक्ट रहता है। ये तब यूज़फुल होता है जब आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड या एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो चुकी है, आपको आपका डेटा एज इट इज़ रखना है और विंडोज़ को जो है आपको रिफ्रेश कर देना है। उस केस में ये आपके लिए यूज़फुल रहता है, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना डेटा पूरी तरह से डिलीट करना चाहते हैं किसी और को बेचने के लिए या गिफ्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन हमको नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है रिमूव एवरीथिंग। रिमूव एवरीथिंग आपका डेटा, पर्सनल फाइल्स, एप्स, सेटिंग्स, सब कुछ पूरी तरीके से हटाने के लिए रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, क्लाउड डाउनलोड एंड लोकल रीइंस्टॉल। क्लाउड डाउनलोड करते हैं तो जो ऑनलाइन विंडोज़ है वो जो लेटेस्ट विंडोज़ है वो पूरा ओवर द नेटवर्क इंटरनेट से डाउनलोड होगा और आपका OS फिर से रीइंस्टॉल होगा। जो लोकल रीइंस्टॉल है वो ऑलरेडी OS जो आपने डाला हुआ है उसी को रिफ्रेश कर देता है। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू क्लाउड डाउनलोड। लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि ये क्या क्या रीसेट करेगा। रीसेट करेगा आपके सारे पर्सनल फाइल्स, यूज़र अकाउंट्स रीसेट करेगा, चेंजेस जो भी आपने सेटिंग्स में किए हैं, आपके ऐप्स, प्रोग्राम्स और विंडोज़ को रीइंस्टॉल करके फ्रेश विंडोज़ इस मशीन पे आपको रीसेट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। और ये दिस विल टेक वाइल एंड योर PC विल रिस्टार्ट। इसके दौरान 2 से 3 बार आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर, आपका सिस्टम का जो भी हार्डवेयर है उसके हिसाब से आधे से एक घंटे में ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं और रीसेट इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैंने रीसेट पे क्लिक कर दिया है
और यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू रिसेट स्टार्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हो दिस डिवाइस विल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट। जैसे ये 100% हो जाएगा आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। दोस्तों ये प्रोसीजर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। इसके थ्रू आपका जो भी डेटा है पूरा इरेज हो जाता है और एक रिलायबल ऑप्शन है। कहीं बगैर कोई खर्चा कर किए आप आपका पूरा सिस्टम फ्रेश ओएस इंस्टॉल करके किसी और को दे सकते हैं। पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा इस मेथड से और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। भविष्य में आपका डेटा किसी और के पास सेव तो नहीं है या फिर आपका डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहेगा अगर आप पूरी तरीके से सिस्टम को फॉर्मेट करना चाहते हैं और विंडोज़ 10 हो या 7 हो, विंडोज़ की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप फिर से फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको आप नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो मैंने ऑलरेडी विंडोज़ 10 पे पेनड्राइव कैसे बूटेबल बनाना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने मशीन को रीसेट कर लिया है सक्सेसफुली, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी एप्लीकेशन इस मशीन पे अभी इंस्टॉल नहीं है, कोई भी पर्सनलाइज सेटिंग्स नहीं है, सब कुछ फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, कोई ऐप नहीं है, कोई भी जो आपके पर्सनल सेटिंग्स है पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं, और अब आपको एकदम से फ्रेश विंडोज़ इस मशीन पे मिल चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।